नमस्कार दोस्तों, आज की जो रीट की खबर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस खबर को देखकर लगता है कि क्या फरवरी 2025 में रीट की पात्रता परीक्षा हो पाएगी। आचार संहिता उल्लंघन के कारण अभी तक नहीं दिया गया था पत्र, अभी तक नोडल एजेंसी को पत्र ही नहीं दिया गया है। अब तक रीट परीक्षा को लेकर केवल दो बैठकें हुई है, कोई भी नोडल एजेंसी को अधिकृत पत्र नहीं मिला है। उपचुनाव हुए, बोर्ड को अब मिल सकता है नोडल एजेंसी का पत्र, अधिकृत पत्र, या नोडल एजेंसी को है जो अभी तक अधिकृत पत्र ही नहीं मिला है रीट से संबंधित। अगर पूरी खबर को देखें तो राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 के आयोजन की जिम्मेदारी तो दे दी है, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकृत लेटर नहीं दिया गया है। अब संभावना यही बन रही है कि उपचुनाव हो गए हैं, बोर्ड को ये पत्र जल्द मिल सकेगा। अब तक यही माना जा रहा था कि सरकार प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव के चलते रीट का लेटर बोर्ड को नहीं दे रही है, यानी जो उपचुनाव चल रहे थे उसके कारण जो रीट का लेटर है वो बोर्ड को सरकार है वो नहीं दे रही थी। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ही बातें सामने आ रही है। यदि आचार संहिता के चक्कर में पत्र अटका है तो फिर 23 को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पत्र बोर्ड को मिल सकेगा, अन्यथा अगले सप्ताह में अधिकृत पत्र मिल सकता है। लगभग ये लग रहा है कि अगले सप्ताह में ही जो है वो बोर्ड को नोडल एजेंसी का जो अधिकृत पत्र है वो मिल सकेगा। दो बड़ी बैठकें हो चुकी है रीट को लेकर, दो बड़ी बैठकें जयपुर में हो चुकी है। पहली बैठक 10 सितंबर को हुई थी, शिक्षा संकुल में हुई। इस बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त निदेशक व उप निदेशक के साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा मौजूद थे। अगर आगे की खबर देखें तो जो रीट परीक्षा के लिए जो आवेदन पत्र है वो 1 दिसंबर से मांगे जाएंगे। रीट विभाग ने रीट के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ही एक बार फिर बनाने की घोषणा इसी बैठक में कर दी। यह भी कहा गया था कि आधिकारिक रूप से लेटर जल्द ही बोर्ड को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पत्र नहीं मिल सका। इसके बाद दूसरी बैठक 9 नवंबर को जयपुर में हुई। इस बैठक में शिक्षा विभाग और बोर्ड के अफसर शामिल हुए। इस बैठक के बाद ये तय हुआ कि 1 दिसंबर से रीट के लिए आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। अधिकृत पत्र भी जल्द देने की बात हुई, लेकिन 14 नवंबर तक भी बोर्ड को पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अब 3 दिन सरकारी छुट्टियां हैं, ऐसे में अगले सप्ताह ही संभावना फिर बन रही है। ऐसी खबरों को आकर लग रहा है कि शायद रीट फरवरी में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।